आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ तशरीफ फरमा कर्नाटक स्टेट माइनॉरिटी कमीशन के सेक्रेटरी जनाब अनीस सिराज साहब और हमारे कमीशन के प्राइवेट सेक्रेटरी जनाब निसार अहमद साहब और आज की इस कॉन्फ्रेंस में आए हुए माय डियर मीडिया फ्रेंड्स, मैं माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन का ओहदा संभालने के बाद तीसरी बार मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूं और आज की जो प्रेस ब्रीफिंग है ये मैं समझता हूं कि कौम की मफाद के लिए और कौम की रहबरी के लिए और बेदारी पैदा करने की इरादे से आज मैं यहाँ बुलाया हूँ। इसमें मुझे कोई पॉलिटिकल माइलेज लेने की ज़रूरत भी नहीं है। एक ये बहुत ही बड़ा ख्वाब था एक ज़माने से, जो 45 सालों में मैंने हर वक्त जब भी कौम के बारे में सोचता था ये मुझे ख्याल आता था, ये एक मेरा ख्वाब है। तो माइनॉरिटी कमीशन, आपको अच्छी तरह मालूम है कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इस बॉडी को जितने भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वक्फ बोर्ड हो, चाहे माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हो, चाहे डायरेक्टरेट ऑफ माइनॉरिटीज हो, वहाँ जितने भी माइनॉरिटीज की स्कीम्स सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो आते हैं, उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी इस कमीशन को दी गई है। और यहाँ तक सरकार को मशवरा देने की भी एक जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। और सबसे बड़ा मकसद यह है कि माइनॉरिटीज की सेफ्टी, सिक्योरिटी और डेवलपमेंट, उसका पूरा ख्याल हमें रखना होगा। हमारे पास मस्जिदें हैं, इबादतगाह हैं, जहां हम रोज़ाना 5 बार नमाज के लिए आते हैं, नमाज पढ़ते हैं, जिक्र करते हैं और चले जाते हैं। किसी और कौम को जो है ऐसी सहूलत नहीं कि उनकी एक परमानेंट इबादतगाह हो और वहाँ पर 5 बार मिलने का मौका किसी कौम को भी नहीं है। तो हमने सोचा क्यों इस मस्जिद को हमने जिस तरह इबादतगाह बना के रखे, इसी जगह इसी प्रेमिसेस से दुनियावी भी काम क्यों नहीं कर सकते, लोगों के मसाइल को हल करने का काम हम क्यों नहीं कर सकते। जिस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा में मस्जिद नबी में इबादत भी होती थी और वहाँ पर जो है कौम की फलाह बहबूदी के लिए प्लानिंग भी होती थी, जो कौम को मसले दरपेश आते थे उन मसलों का हल भी किया करते थे और जो भी इख्तलाफात पैदा होते थे उन इख्तलाफात को भी दूर करने के लिए वहाँ पर मस्जिद नबवी का इस्तेमाल हो रहा था। इसी तरह आज हमको करना होगा। तो इसलिए मस्जिद को या मस्जिद के अहाता जो होता है मस्जिद का, उसके अंदर ही हम ये कम्युनिटी सेंटर बनाना चाहिए। वो कम्युनिटी सेंटर कैसा हो बोले तो वहाँ पर पूरे हमारे दफ्तर रहे। एक ज़माना था हमारे बचपन में, हम देख रहे थे 18 कचहरी बोल के, हर तालुका हेडक्वार्टर में 18 कचहरी होती थी। इसका मतलब यह है कि 18 गवर्नमेंट ऑफिसर्स एक ही बिल्डिंग में हुआ करते थे। पुलिस स्टेशन भी वहाँ था, तहसीलदार ऑफिस थी, बीडीओ ऑफिस थी, कोर्ट भी चलता था वहाँ पर, सारे ऑफिसर्स
हेल्थ ऑफिस थे, सारे ऑफिस वहाँ पर हुआ करते। अगर कोई आदमी वहाँ गया तो उसका पूरा प्रॉब्लम एक ही बिल्डिंग के अंदर, उन्हें और जगह भागने की ज़रूरत है। आज भी अमेरिका और लंदन को आप जाकर देखिए, जो ब्रिटिशर्स हमारे पास बना के गए थे वही 18 कचहरी जो एक ही कॉम्प्लेक्स में गवर्नमेंट ऑफिसर्स मिलते हैं। इसी तरह हमारे मस्जिद के अहाते के अंदर हमारे सारे कौम के कार्रवाइयाँ होना चाहिए। इसके लिए हम क्या करना है, पहला नंबर वन, हमारी एक बिल्डिंग हो, हमारे दफ्तर हो वहाँ पर, हमारे जो प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी हैं उनकी एक ऑफिस हो, एक मीटिंग हॉल हो, और उसी बिल्डिंग में एक इंफॉर्मेशन सेंटर हो, उसके साथ में बैतुल माल हो, और उसके साथ काउंसलिंग सेंटर भी हो। ये एक फुल फ्लेड ऑफिस चलते रहना चाहिए। हमारे प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी जो सेक्रेटरी हैं वो रोज़ाना जिस तरह मैं और आप दफ्तर को जाके 3-3 घंटे बैठते हैं, इसी तरह मॉर्निंग 3 घंटे, इवनिंग 3 घंटे अगर वहाँ पे सेक्रेटरी है, ऑफिस चल रही है, लोग शिकायत लेकर आएंगे। ये दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, मस्जिद का जो जूरिस्डिक्शन है, रफ जूरिस्डिक्शन, वो जूरिस्डिक्शन का में जितने भी लोग रहते हैं वहाँ के रेसिडेंट्स, उनका एक सर्वे होना चाहिए। एक रफ हमारा तो एक जूरिस्डिक्शन रहता है, तो उसके लिए हम बाद में हमारे सेक्रेटरी साहब एक्सप्लेन करते हैं वो रजिस्टर, तो वहाँ सर्वे करके तुम्हारे जितने भी लोग हैं, हाउस टू हाउस सर्वे, उसमें वो उस घर में कौन रहते हैं, हेड ऑफ द फैमिली कौन है, उनके कितने बच्चे हैं, उनकी उम्र क्या है, उनका पेशा क्या है, और उनकी इनकम क्या है, अपने ख़ास घर में रहते हैं या किराए के घर में रहते हैं, सारे पर्टिकुलर्स उसमें नोट करना, उनका फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस। और उसके साथ साथ हम एक नया कॉलम लाए हैं, तो एंसेस्ट्रल बैकग्राउंड, तुम्हारे वालिद का नाम, तुम्हारे वालिद किस गांव से आए, तुम्हारे दादा का नाम, तुम्हारे परदादा का नाम, उनके नामों के साथ अगर उनका नेटिव प्लेस का नाम भी मालूम हो गया तो तुम्हारी हिस्ट्री उस रजिस्टर में तैयार होगी। कम से कम आपको 60-70 साल की हिस्ट्री मिल जाती है, तो ये रजिस्टर का होना ज़रूरी है। और हमने ये भी सोचा है जो बाशिंदे तुम्हारे मोहल्ले में रहते हैं, तुम्हारे मस्जिद के अहाते में रहते हैं, उनको 4 कैटेगरी में तकसीम किया जाए, ए बी सी डी, ये फिनेंशियली वेरी साउंड, नंबर 2 अपर मिडिल क्लास, सी मिडिल क्लास, नंबर 4 डी कैटेगरी का जो आदमी है वो जो है हैव नॉट्स जो बोलती हैं, जिसके पास कुछ भी नहीं है, सुबह को उठता है, कूली करता है या हाकर है, रात में जो है घर को जब वापस आता है तो चावल रागी लेकर आकर उसका चूल्हा सिलकता है, ऐसे लोगों को जैसा बीपीएल कार्ड होल्डर जो बोलते हैं, इसी तरह डी कैटेगरी में हम जो है वो मार्क करना होगा हमारे रजिस्टर में। एक इससे क्या हुआ, तुम्हारी पास तुम्हारी मस्जिद के अहाते में रहने वाले कितने लोग हैं, इनकी स्टैटिस्टिक्स आपको मालूम होगी, इसमें कितने लोग मालदार ही मालूम हो गया, कितने गरीब ही मालूम हो गया, तो क्या है तुम्हारा इंटेलिजेंस मस्जिद के पास उस मोहल्ले में रहने वाले बाशिंदों के बारे में 100% जानकारी होना चाहिए, इंटेलिजेंस होना चाहिए। इंग्लिश में कहा होता है द स्टेट मस्ट हैव अप टू डेट इंटेलिजेंस अबाउट द पीपल हु आर रिसाइडिंग, इफ दैट इंटेलिजेंस इज नॉट अवेलेबल विद द स्टेट गवर्नमेंट सच स्टेट डजेंट लास्ट लॉन्ग, बोल वैसी गवर्नमेंट भी जिंदा नहीं रह सकती, वैसा स्टेट भी जिंदा नहीं रह सकता। आपको एब्सोल्यूट कंट्रोल हो गया, हमारे पास इतने लोग हैं। इसके साथ साथ हम और भी एक क्या सोचें, एक एड फर्दर एक स्टेप जाकर, तुम्हारे मोहल्ले में तुम्हारे मस्जिद के अहाते में कितने डॉक्टर्स हैं, उनका डिटेल, वो क्या फिजिशियन है, सर्जन है, डेंटिस्ट है, उसका पर्टिकुलर्स, उसका फ़ोन नंबर, ये एक फहरिस्त बनाना चाहिए। और एक फहरिस्त जो है तुम्हारे पास कितने पुलिस ऑफिसर्स हैं, सर्विंग पुलिस ऑफिसर कितने हैं, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स कितने हैं, तुम्हारे पास एडवोकेट्स कितने हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर टू गवर्नमेंट सर्वेंट्स उनका पर्टिकुलर्स। नंबर 3 जो है, हमारे पास बैतुल माल हो,
आज बैतुल माल थोड़े मस्जिदों में सिर्फ नाम के वास्ते चल रहा है, यहां हमें आइडेंटिफाई करें डी कैटेगरी बीपीएल कार्ड होल्डर, इसके पास कुछ भी नहीं है, घर में किसी की मौत हो गई, खबर आते ही मस्जिद से 1-2 हजार रुपए रिलीज करे बोले तो मौत मट्टी का इंतजाम हो जाता है, और किसी का एक्सीडेंट हो गया बॉडी मंगाना वहां 1-2 हजार रुपए में दे सकते हैं। हमारे पास परमानेंट बैतुल माल चलना चाहिए, और बैतुल माल उसी प्रेमिसेस में हमारी ऑफिस हो। जैसा हम मिनिस्टर्स को पोर्टफोलियो देते हैं, तो हमारे जो मस्जिद कमेटी है उसमें थोड़ा हमारा रीऑर्गेनाइज करके सेक्रेटरी फॉर बैतुल माल किसी एक मेंबर को डालो परवाह नहीं, सेक्रेटरी फॉर और एक विचार के बारे में मैं आ रहा हूं। तो यहां से बैतुल माल हमारा परमानेंट चलना चाहिए। दूसरा, काउंसलिंग सेंटर भी रखना चाहिए। नंबर 4, काउंसलिंग सेंटर क्या है? जैसा छोटा तुम्हारा एक कोर्ट चल रहा है। आजकल हमारे औरतें जब भी मियां बीवी का झगड़ा होता है, टॉर्चरिंग होता है, हरासमेंट होता है, कहां जाती है उन्होंने? दिल गो टू पुलिस कमिश्नर ऑफिस। पुलिस कमिश्नर ऑफिस में जाकर देखो 50-100 जो है, कोई सो रही है, कोई बैठे है, कोई रो रही है, 3,19,000 केसेस पेंडिंग। और क्या बोलते, वहां भी आजकल जो है इंसाफ नहीं मिल रही है, बिकॉज वहां सिंसियरिटी नहीं है, ऑनेस्टी नहीं है। तो क्या है, आना जाना कोर्ट की तरह होगा, आज जा रही फिर नेक्स्ट वीक आओ और एक वीक आओ। अगर तुम्हारे पास एक काउंसिलिंग सेंटर बन गया तुम्हारे मस्जिद में, तुम्हें उसके लिए बहुत बड़ी मेहनत करने की जरूरत नहीं। एक रजिस्टर रखो, एक औरत आती है तुम्हारे पास कंप्लेन करती है, वो रजिस्टर के अंदर उसका पर्टिकुलर लिखो, कंप्लेन अगेंस्ट होम, किसके खिलाफ है, उसका प्रॉब्लम क्या है, वो लिखकर जो है हस्बैंड को बुलाओ। अब तुम्हें काउंसलिंग करना है, काउंसलिंग करना बोलो तुम्हारे पास ही लोग आ मिलते हैं, 5 आदमी का पैनल बनाओ, 5 मेंबर्स का पैनल। पैनल क्या, अब तुम्हारे पास कौन तो भी रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर मिलता है, रिटायर्ड होने के बाद में सर्विस में कैसा भी रहो अब एटलीस्ट अल्लाह की याद आ जाती है, उसे इंसाफ पसंद रहता है। ये कौन तो भी 2 एडवोकेट मिलती हैं तुम्हारे मोहल्ले के अंदर से आने वाले केसेस से ज्यादा ज्यादा तुम ना 1 हफ्ते में 5 नहीं मिलते हैं मुनीर भाई, 5 नहीं मिलते। तुम्हें बैठो जजेस की तरह, गिव देम पेशेंट हियरिंग, समझाओ, कॉम्प्रोमाइज हो जाता तुम्हारे पास। काउंसलिंग करने का भी एक अलग स्पेशल तरीका है। एक नंबर 1, तुम्हारे पास पेशेंस हो, मियां बीवी दो भी जो झगड़ा कर ले जाती है उनके साथ बहुत ही इज्जत से पेश आना है। पोल्यूशन में क्या करती है मालूम, बीवी कंप्लेंट देती है, हस्बैंड को खड़ा करते हैं, सिंगलर में बात करते हैं, चल तू घर में देख ले, तुम कहता दिल में कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। हो सका तो मैं बोल रहा हूं आज अवर कमीशन इज रेडी टू ट्रेन दी पैनलिस्ट, ये काम भी हम करेंगे, एक बहुत बड़ा अंबेडकर भवन के अंदर ब्लॉगिंग करेंगे। तो क्या है, तुम्हारी काउंसिलिंग करो, बैठो, अगर काउंसिलिंग में कामयाबी नहीं हुई एक एंडार्समेंट बुक रखो, ऐसा तुम्हारे कंप्लेंट के ऊपर तुम्हारे शौहर को बुलाया गया फलानी डेट में, तुम्हारा ये तुम्हारा अहवाल भी सुना गया, उनका अहवाल भी सुना गया, और हम जो है फैसला दिए कॉम्प्रोमाइज के वास्ते, मगर दोनों कॉम्प्रोमाइज के वास्ते दोनों तैयार नहीं, इसलिए एंडार्समेंट दे रहे हैं कि यू कैन सीक रिड्रेसल इन दी कंसर्न्ड कोर्ट ऑफ लॉ, तुम कानूनी कार्रवाई कर सकते हो। गया कि भाई तुम ना कौन भी पुलिस वाले भी तुम ना कौन भी की करेगा अगर को नहीं पूछते, तुम्हारे पर कोई तरह का एक्शन भी नहीं लेते, तो तुम्हारा कोर्ट चले जैसा वहां पर छोटे मोटे मामलात के अंदर, और तुम्हारे पास एक इंफॉर्मेशन सेंटर भी होगा। इंफॉर्मेशन सेंटर बोले तो ये पूरा है स्टैटिस्टिक्स, कौन कहाँ है, किधर है, जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स आ रहे हैं, ये सारे स्कीम्स KMDC से हो या डायरेक्टर ऑफ माइनॉरिटी से हो, ये काम वी विल डायरेक्ट द चेयरमैन माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन आर डायरेक्टर ऑफ माइनॉरिटीज टू सेंड दिस कॉपीज डायरेक्टली टू द वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड इन टर्न पूरे मस्जिदों को कम्युनिकेट करना है,
नोटिस बोर्ड पर डालते हैं क्या क्या हमारे पास स्कीम्स हैं। एट द सेम टाइम जब भी कहीं वैकेंसीज क्रिएट होती हैं इधर पुलिस फॉरेस्ट रेलवेज वो काम भी जो है इन द इंटरेस्ट ऑफ कम्युनिटी थोड़ा खर्च होता है गवर्नमेंट को विल इन्फॉर्म देम उन्हों जो है वेबसाइट के जरिए से कि या तुम्हारा व्हाट्सएप के जरिए से कि अब वक्फ बोर्ड के कंट्रोल में मस्जिद आएंगे नहीं, इट इज़ देयर ड्यूटी। खाली मस्जिदों को तुम्हें एक कर ले को सैलरी दिया तो नहीं हुआ, तुम्हें उनकी वेलबींग भी देखना ना कौम की। तो कमीशन विल डायरेक्ट दी वक्फ बोर्ड टू कलेक्ट दिस इंफॉर्मेशन पास इट ऑन टू ऑल दी मॉस्क, तो वो तुम्हें देख ले सकती तुम्हें। और उसके साथ साथ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है बोले तो हमारे पास पाकी का हमें उतना ख्याल नहीं रख रहे। हमारे मस्जिदें बहुत अच्छे हैं, खूबसूरत भी हैं, और हमारे मस्जिदों के अंदर जो है कालीन बिछाए गए हैं और बिल्कुल पाक साफ है, इसमें कोई दूसरी राय और प्रॉब्लम कहाँ है बोले तो तुम्हारे बैतुल खला का प्रॉब्लम है। बैतुल खला का प्रॉब्लम है, बैतुल खला को तुम्हें जांच नहीं सकते। वही व्हाट इज रीजन, सुबह को एक बार पानी डाल डाले तो शाम तक पानी नहीं डालते, और लोग सिगरेट और बीड़ी पीने को वास्ते मस्जिद के टॉयलेट को आती। थोड़े लोगों को मैंने सुना है कि सुबह को जो है टॉयलेट को आती सुन मस्जिद की टॉयलेट इस्तेमाल करती और उस आते ही क्या है पान पराग बीड़ी सिगरेट पीती। तुम्हें जाकर देखो टॉयलेट पूरे पीले हो, इतने गंदे हैं, इतना इन्फेक्शन है हमारे टॉयलेट्स में। जैसा तुम्हें एक पाँच मिनट अब अर्जेंट जाना पड़ा तो आप क्या करती चले आते, पाँच मिनट के अंदर जो इनहेल करते मनीर साहब पूरा इन्फेक्शन तुम्हारी बॉडी में आया था। अब इन्फेक्शन आने के बाद में तुम्हें घर को जाको वोच इन्फेक्शन में बीवी को भराती लगता है, वो बच्चियाँ को लगता है, और सबसे पहले यूरिन इन्फेक्शन होता है आपको। और इन्फेक्शन का और एक क्या है बोले तुम्हारी अगर उम्र होगी, इम्यूनिटी नहीं है तुम्हारे पास, रेजिस्टेंस पावर नहीं है, तो जल्दी क्यूर नहीं होता। एक बीमारी दस बीमारियों सरा हो जाता। तो इसलिए हम क्या करना बोलो दो चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, ये भी हम मशवरा मस्जिदों को आपके थ्रू दे रहे हैं। नंबर वन, बीड़ी सिगरेट पीना सख्त मना है, ये बोर्ड जो है हर टॉयलेट के सामने डालना पड़ेगा। और हम इतने पैसे खर्च करती मस्जिद के वास्ते, मैं सब मस्जिदों की बात नहीं कर रहा हूँ, थोड़े बड़े बड़े मस्जिद आई, तुम एक आदमी को तो अपॉइंट कर सकती, एक मस्जिद को अपॉइंट कर दी, एक आदमी को अपॉइंट कर सकती, उन्हें पांच बार दस बार जैसा पब्लिक टॉयलेट धुले जाती वैसा दो तरह फिनाइल डाल को आईने की तरह रहना। मैं परसों हमारे सेक्रेटरी साहब बता रहा था, मैं जब पुलिस में था आज भी सिस्टम क्या है बोले तो पुलिस स्टेशन को जब डीजी आईजी पुलिस कमिश्नर जो इंस्पेक्शन को आते हैं तो उनका इंस्पेक्शन जो टॉयलेट से स्टार्ट होता है, दे विल कम एंड सी आज क्या है मालूम नहीं मुझे वेदर दे हैव केप्ट द टॉयलेट क्लीन और नॉट, उसके बाद अंदर आता हूं। ये ब्रिटिश वाले बता गए तो ऐसा हमारे पास टॉयलेट्स का इंतजाम होना, एक आदमी को अपॉइंट करना, उन्हें रोज को पांच बार की दस बार की पानी डालते रहते, फिनाइल डालते रहते। सारे कब्रिस्तान जो हैं ये भी वक्फ के कंट्रोल में चाहिए, क्या नहीं सर? हाँ सर, बराबर। कब्रिस्तानों को जाकर देखो तुम्हें कहां, तो भी कब्रिस्तान क्लीन है, जगह नहीं है, क्लीन है पूरे झुड़पा ये वो पिक्कर जो है। और दूसरा क्या है बोले तो हमारे पास रास्ता भी नहीं जाने के वास्ते, उन्हें यहाँ गाड़ रहा है, उन्हें वहाँ गाड़ रहा है, आर्डर में कौन भी, और कोई जो है अपने चेक बहुत बड़ा मकबरा बना लिए। ये जो है डेट हैज टू बी रेगुलराइज्ड एंड मेंटेन क्लीन। तुम्हें कर सकती ना अभी तुम्हारी मस्जिद कमेटी के अंदर जो है तुम्हारे पास, वन मिनट बोला तुम्हें, मस्जिद कमेटी तो कर सकती हो तुम्हारे मदर यह कब्रिस्तान की कमेटी तो है, तुम्हें उसे क्यों नहीं करते? तुम्हें होना तो साइड में ट्रीज डालो और जो है वहाँ एक छोटा रास्ता भी बना को दियो, और रास्ता नहीं कहाँ करो खबरें खुंदल ले कुछ जाना तुम्हें। और एक चीज़ है और एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वुड लाइक टू टेल यू, ये कब्रिस्तानों में जो है ड्रग पेडलर्स रहती उनके वास्ते डेट इज द शेल्टर, दे आर टेकिंग शेल्टर, ऑल रउडीज दे आर टेकिंग शेल्टर्स, ऑल बर्गलर्स आर टेकिंग शेल्टर्स, एंड उनको रात में चोरी करो, सुबह को पियो, गांजा मारो, वहां जाकर दिन का सोचो खबर।
देखो हमारी बदकिस्मती क्या है, पूरे क्रिमिनल्स वहां पर, ड्रग पेडलर से गांजा वहां सेल होता है। इंशाल्लाह द कमीशन, दिस माइनॉरिटी कमीशन विल राइट टू ऑल द पुलिस ऑफिसर्स टू मेक ए पेट्रोलिंग एंड फिक्स ए पॉइंट बुक, लेट योर पेट्रोलिंग स्टाफ साइन, इफ दे गो वंस, एक बार अंदर जाकर बोले तो डर होता है, इसे क्रिमिनल्स नहीं रहते अंदर। हमें कमीशन विल राइट टू द पुलिस डिपार्टमेंट, तो हमारे खबरस्ताना भी हमें अच्छे मेंटेन करना है। जितनी इज्जत हमें इंसान उसकी लाइफ में उसे कदर करनी होती है, कदर मरने के बाद जो है हमें करना चाहिए।